सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। के भगवान के स्वरूप कैसे सत चित और आनंद। सत्य भगवान का स्वरूप है, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में महात्म में ही पहला श्लोक लिया है, अर्थात सत चित और आनंद। सत का भाव अगर हम कहें तो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, सत्य है कि असत्य है? है जी, अरे जवाब दो ना। सूर्य का प्रकाश सत्य है कि असत्य है? चंद्रमा का प्रकाश सत्य है कि असत्य है? ये दोनों ही प्रभु की कृपा से प्रकाशित तो होते हैं, ये सत्य है कि असत्य है? लेकिन प्रभु की कृपा देखिए कि दोनों को प्रकाश देने वाले भी परमात्मा हैं, लेकिन एक जो कि जलता हुआ गोला दिखाई देता है वो भी प्रकाशमान श्रीमन्नारायण की कृपा से है, और उस तेज के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो अगर हम किसी चीज के प्रकाश से, हम बल्ब के प्रकाश से अगर किसी चीज पर प्रकाश डालें, फोकस डालें, उस देर के बाद उसमें भी गर्माई आ जाती है, लेकिन चंद्रमा प्रकाशित है लेकिन शीतलता प्रदान करता है। तो जब हम अपने जीवन में कोई असत्य भाषण करते हैं, कभी कोई झूठ बोलते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, तो एक न एक बार उस जीव के मन में ये बात अवश्य उस समय आती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये गलत है। आती है कि नहीं आती? सबके मन में आती है। जब वो किसी को झूठ बोल रहा होगा, उसके स्वयं के अंतरात्मा उसको एक बार बोलती जरूर है कि ये गलत है, ये झूठ है। और यही परमात्मा का स्वरूप है। आपकी आत्मा जो है वही परमात्मा का स्वरूप है, और वो आत्मा आपको जागृत कराती है, वो आत्मा आपको इंडिकेशन देती है कि भैया ये तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर वो व्यक्ति असत्य का भाषण करता है तो वो असत्य ही बोलेगा, लेकिन मन में ये बात जरूर आती है कि मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ है, या जो मैं पाप कर्म कर रहा हूं ये गलत है। जब ये आवाज हमारे मन से आती है तो ये परमात्मा की आवाज है, सत्य, जो कभी झूठ नहीं हो सकता। हम इस संसार में आए हैं, संसार में रहेंगे, संसार की लीला कलाप देखेंगे, एक दिन इस संसार से विदा हो जाएंगे, ये भी सत्य है। लेकिन इस जीव की बड़ी भारी विडंबना ये है कि ये जानता तो सब कुछ है पर मानता नहीं है। सब जानता सब कुछ है पर मानता नहीं। ये भी जानता है कि परमात्मा सत्य है, ये भी जानता है कि संसार से एक दिन जाना जरूर है। आज तक कोई नहीं रुका, कोई ऐसा फिक्स पॉलिसी करा के नहीं आया कि हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी ये जीव संसार में रहकर लगातार असत्य का भाषण करता है, असत्य का सहारा लेता है, लेकिन अंतरात्मा चेताती है कि यह असत्य है।